हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ साथियों सी एस आर यूजीसी नेट का एक क्वेश्चन मैं लाया हूं जो लीनियर अलजेब्रा का है। और साथियों कई टाइम और एक टाइप का जो साथियों क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो हमेशा 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 साथियों आया है। साथियों ये क्वेश्चन था हमारा सी एस आर यूजीसी नेट का क्वेश्चन था एंड व्हाट डज द क्वेश्चन आस्क। क्वेश्चन सेज अ टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी गोइंग फ्रॉम टी टू टू पी थ्री और डिफाइन है साथियों टी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी प्लस एफ डैश एक्स। तो आपको पूछा था क्वेश्चन की बताए व्हाट शुड बी द ट्रांसफॉर्म्ड या रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स। तो साथियों ये जो डिफाइन किया हुआ है और इस बेस के इसके जो बेसिस एलिमेंट होंगे उसके कोरस्पॉन्ड आपका मैट्रिक्स क्या फॉर्म होगा। तो देखिए इसका जो क्या होगा साथियों, इसका जो बेसिस बनेगा ये क्या है हमारे पास साथियों, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट टू। तो साथियों इट मस्ट बी स्पेंड बाय या कहते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वन एक्स एक्स स्क्वायर होगा बेसिस एलिमेंट। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाता है आपको पता है टू प्लस वन और ये साथियों थ्री प्लस वन इक्वल्स टू फोर। तो ये हमारा साथियों थ्री है और ये फोर, मतलब जब भी हम लोग साथियों कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स तो ये फोर क्रॉस थ्री का बन जाएगा, ठीक है ना। ओके सो आपको ऑलरेडी पता है कि वी ऑलवेज हैव फॉर एनी मैट्रिक्स वी ऑलवेज हैव अ कॉरेस्पॉन्डेंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स व्हाट, वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स फॉर गिवन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन साथियों। तो इसका देखिए बेसिस एलिमेंट वन होगा एक्स और एक्स स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें साथियों तो ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हैं साथियों, वन का जो डिफरेंशिएशन होगा तो जीरो होगा, तो लिखने की कोई बात नहीं है साथियों, एक्स रह जाएगा और एक्स का कीजिएगा तो साथियों वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, टी एक्स स्क्वायर कीजिएगा साथियों तो आपको ये मिलेगा। बेसिकली क्या करना होता है, एक्स को क्या करेंगे, वी हैव टू मेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इमेजेस, है ना। सो कैन आई राइट जीरो इंटू वन प्लस वन इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स टू। तो साथियों ये जो बनेगा ये फर्स्ट प्रॉब्लम बन जाएगा हमारा सी वन, तो जीरो वन जीरो 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 वन जीरो जीरो, तो ये देख लीजिए हमारा पहला कॉलम बन गया। साथियों सेकेंड है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, सो कैन आई राइट वन इंटू वन प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस हाफ टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। सो दिस मस्ट बिकम द कॉलम वेक्टर वन जीरो हाफ जीरो वन जीरो हाफ जीरो। सो दिस इज व्हाट साथियों ये हमारा बन गया सेकेंड, ये फर्स्ट बना। और साथियों ये वाला इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पेपर में बिल्कुल ऐसा ही आता है और मैं चाहता हूँ आपकी गजब की आपकी फ्लुएंसी बन जाए साथियों। जीरो इंटू वन प्लस टू इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। सो इट बिकम साथियों थर्ड कॉलम एंड कैन आई राइट जीरो टू जीरो वन बाय थ्री जीरो टू जीरो वन बाय थ्री। सो दिस बिकम्स द थर्ड कॉलम। सो दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैविंग द बेसिस पी टू एंड पी थ्री। साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको रियली में ही बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया होगा साथियों। आप अपने साथियों को जरूर फॉरवर्ड करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।